राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। 22 जिले 22 खबर में मैं हूं आपके साथ अंशिका। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन में नांगल चौधरी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने राज्य में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने देश में उन्नति विकास की और ध्यान दिया। युवराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमें एक समय दें, मैं इस गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। भाइयों, मैं आज नांगल चौधरी की सरदारी के बीच में हूं। मैं उन लोगों को यह पूछना चाहता हूं जो आज इस प्रकार की बात करते हैं कि एक झटके के अंदर यह गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे इंदिरा जी 1970 में उन्होंने एक बात कही थी, वो शायद अपने पूर्वजों के बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। आजकल वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। इंदिरा जी ने 1970 में एक बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों 50-55 साल के बाद भी ये लोग गरीबी नहीं हटा सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो ये बोलता है कि मैं गरीबी को एक झटके में हटा दूंगा।